भीषण गर्मी में हांफती और प्यासी दिल्ली को अब राहत मिलने के आसार साफ हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने अपने आदेश में यह साफ कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश से आने वाले पानी को अब हरियाणा सरकार रास्ते में नहीं रोकेगी। शुक्रवार से 137 क्यूसेक पानी रोज एक महीने तक जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिल्ली को देने के लिए हामी भरी है, उस पानी को हरियाणा सरकार के नहरों के जरिए यहां तक पहुंचना है। हरियाणा सरकार का कहना था कि जब हथनीकुंड बैराज में वो पानी पहुंचेगा तो उसके पास ये नापने के लिए कोई जरिया नहीं है कि कितना पानी आया है और कितना पानी छोड़ा जाना है। छोड़े जाने पानी को लेकर तो वो नाप कर सकती है, लेकिन क्या उतना पानी आया है ये जानने का कोई जरिया नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि जो पानी आ रहा है उस पानी को हरियाणा में नहीं रोका जाए, उसे निर्बाध दिल्ली तक पहुंचने दिया जाए। यानी हिमाचल प्रदेश से चला हुआ पानी हरियाणा से के जरिए दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर यानी हथनीकुंड बैराज तक आएगा और हथनीकुंड बैराज से वो पानी यहां दिल्ली के वजीराबाद बैराज में इकट्ठा होगा और वहां से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाएगा और वहां से पीने के पानी के लिए सप्लाई होगी। वहीं कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो पानी की बर्बादी पर रोक लगाने के लिए हर संभव उपाय करे, सारे उपाय करे, इस बात की निगरानी रखे कि किसी तरह के पानी की बर्बादी ना होने पाए। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई चली तो पीठ ने यह साफ किया, हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह कहा कि उसने अतिरिक्त पानी दिल्ली को देने के लिए हामी भर ली है और वो पानी एक महीने तक दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी दिल्ली को लगातार एक महीने तक दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ये कह रही है कि उसे भी कृषि के लिए पानी की जरूरत है। दिल्ली सरकार का कहना था कि इधर इनको कृषि सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, जिसमें थोड़ी कमी की जा सकती है कुछ दिनों के लिए क्योंकि मानसून प्री मानसून की बारिश भी होने वाली है, लेकिन दिल्ली में लोग प्यासे हैं लिहाजा उनके लिए पानी ज्यादा जरूरी है, उनको पानी निर्बाध रूप से पहुंचाया जाए। अब शनिवार तक दिल्ली में पेयजल यमुना के जरिए पहुंच जाएगा और उससे फिर प्यासी दिल्ली को गलातर करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में 5 जून को अपर यमुना रिवर बोर्ड को मीटिंग करने को कहा था उन सारे स्टेक होल्डर राज्यों के साथ जिन राज्यों में हरियाणा दिल्ली और उत्तर प्रदेश आते हैं। इनकी मीटिंग के बाद यह तय हुआ कि हाँ, हरियाणा को पानी अगर हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है तो उसे भेजा जाए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश से आने वाला पानी दिल्ली तक निर्बाध रूप से आने में अब फिलहाल कोई बाधा नहीं है।